परसेप्शन जो होता है सबसे पहला ब्लॉकेज क्रिएट करता है बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी टोन होनी चाहिए या प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। एक एक्सेंट ट्रेनिंग करके होती है ना, जो लोग सेल्स में होते हैं स्पेसिफिकली एक्सेंट ट्रेनिंग, कि आप अपनी जो नॉर्मल एक्सेंट है उसको पूरा भूल जाओ और एक जनरल टोन पे आ जाओ, ताकि वो पर्सन सिर्फ आपको पर्सन समझे, ना कि कोई एथनिसिटी के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब जब आप अपने आप को बेच पा रहे हो इसका मतलब ये है यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स एंड योर एबिलिटीज। रिपीट, यू हैव द कॉन्फिडेंस इन स्किल्स एंड योर एबिलिटीज। कोरस में सिंगर बैठे कोरस में गा नहीं पा रहे, यू हैव द मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल हाफ नॉलेज के साथ जा रहे हैं। पहली बात तो प्रोडक्ट की हाफ नॉलेज के साथ जा रहे हैं, हर बार बोलना पड़ता है सर आई विल टॉक टू माई सीनियर एंड गेट बैक। ठीक है, प्रोडक्ट की हाफ नॉलेज के साथ जा रहे हैं, सर्विस की हाफ नॉलेज के साथ जा रहे हो। सबको ये है फियर कि जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस आप उसको ऑफर कर रहे हो वो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सर्कमस्टेंसेस को खराब करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे विनय यूज करता है कौन सा टूथपेस्ट, दंत कांति, दंत कांति, राइट। और उसको मैं ऑफर करूँ कोई दूसरा दंत शांति जो भी, तो उसको पहले तो ये होगा कि मैं क्यों स्विच करूँ मेरे टूथपेस्ट से ये टूथपेस्ट, क्या ये मुझे एक्स्ट्रा ज्यादा फायदा दे रहा है, या इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेफ है कि नहीं है, या अगर आप शिपमेंट की बात करो कि ये कंपनी के साथ मैं शिप करूंगा तो मेरे जो पुराने बेनिफिट्स तो मेरे से नहीं ले लिए जाएंगे, या पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस और खराब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत खराब एक्सपीरियंस चल रहा है। तो हर पर्सन चाहता है जितना लाइफ के अंदर दुख है उससे ज्यादा दुख ना हो, जितना लाइफ में दुख है दुख है, ठीक है, जितना लाइफ में दुख है उससे ज्यादा दुख कोई नहीं चाहता। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेरी कंडीशन है, मेरे बिजनेस की कंडीशन है, उससे खराब अगर हो गई कंडीशन वो मैं रिस्क नहीं ले सकता, सबसे पहला फियर है ये। जैसे सुरेखा है, सुरेखा को कोई रास्ते में चलता हुआ आदमी बोले चलो सुरेखा कैफे में कॉफी पी के आते है, जाएगी वो? हेलो, हाँ जाएगी, बाहर की बोल रही है ना, नहीं जाएगी ना, क्यों? शी हैज सुरेखा जाने और सर इंटरनल बातें ज्यादा, मतलब भूख खाना काफी ट्रस्ट लेने के लिए ऐसा तो नहीं है ना। कस्टमर मुझे जानता नहीं है, क्लाइंट मुझे जानता नहीं है, मेरे प्रोडक्ट को जानता नहीं है, मेरी सर्विस को जानता नहीं है, मैं चाह रहा हूँ खाली मुझे बात करने के लिए वो मुझसे ट्रस्ट किए। इतना पहला ट्रस्ट तो क्या, ऐसे बात करने जितना ट्रस्ट फोन ही रख दिया तो आगे आप कौन सा ट्रस्ट उसको दिखाओगे? क्या सेल रिक्वेस्टिंग वाला बिजनेस है? नो। क्या सेल बेगिंग वाला बिजनेस है? नो। क्या है सेल? क्या गिड़गिड़ाने वाला बिजनेस है? नहीं। क्या है? अगर देखा जाए कि कंपनी के दो मेजर पिलर्स है, मैं मानता हूँ सेल्स और दूसरा कस्टमर सर्विस, बाकी बीच में तो सिर्फ चला रहे हैं जो, लेकिन ये दोनों अगर नहीं है यू विल नॉट गेट रिकरिंग क्लाइंट्स, यू विल नॉट गेट न्यू क्लाइंट्स। एक न्यू क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, एक रिकरिंग क्लाइंट्स बना रहे हैं, सेल्स और कस्टमर सर्विस, तो ये मेन पिलर्स है कोई भी कंपनी के। तो सेल्स अगर ये सब नहीं है जो मैंने बोला तो सेल्स क्या है? क्योंकि सेल्स इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सेल्स इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं है तो क्रिएट करो, प्रॉब्लम नहीं है तो क्रिएट करो। क्रिएट द प्रॉब्लम का मतलब होता है कि यू हैव टू प्रेजेंट हिम दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, you have to present him that you have a problem, you have to generate a problem for him, you have to tell him ki aap khatre mein ho fir bachao। purani movie mein hota tha na heroine ke pehle do gunde bhejo fir fir usko maro aur ye heroine se kaha hero ban shaadi kar, jaise aaj ke government kar rahi hai hamare sath, pehle ladao aapas mein fir unko bachao aur bolo humne aapko inse bachaya, aap deshbhakt ho aur ye anti national hai। बट जो दूसरे जो लोअर लेवल स्टाफ है जो मना कर रहा है ना, उसका मना करना तो रिजेक्शन है ही नहीं, उसका मना करना है कि आपने सही घंटी नहीं बजाई। अगर मैं जो डोर पे घंटी बजा रहा हूँ और उसने बोला कि मुझे तू मेरे घर में मत आ, ओनर ऑफ द हाउस, तो मैं रिजेक्शन मानूंगा। सिक्योरिटी गार्ड का रिजेक्शन कौन रिजेक्शन मानते हैं, मानते हो? लेकिन जो दुनिया की नजर है, आपको दुनिया की नजर से चलना पड़ेगा क्योंकि आप सेल ये दुनिया के अंदर ही कर रहे हो, कोई दूसरे परलोक के अंदर सेल तो कर रहे हो, है ना, ये लोक में कर रहे हो, ठीक है। तो ये लोक के जो लोग हैं, ये वाले जो धरती लोक के जितने भी लोग हैं, वो दिखावे में बिलीव करते हैं। किसमें बिलीव करते हैं? दिखावे में ही बिलीव करते हैं। आप वहां पे आप सबसे बेस्ट पर्सन हो, सबसे सेल्स पर्सन, सबसे अच्छे पर्सन हो,
लेकिन वहाँ पे आप ऐसे नींद से उठ के जाके चले गए, बोलो सर वाला कंपनी का प्रोडक्ट ले लो, आपको नहीं मिलेगा। और आप सबसे ज्यादा लेजी पर्सन हो, और आप सबसे ज्यादा होते ना शादी जाके हो, लेकिन आप सेल्स के लिए तैयार होके गए, पर्टिकुलर शर्ट, पर्टिकुलर बेल्ट, पर्टिकुलर पैंट, पर्टिकुलर शूज, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल, पर्टिकुलर लुक, सब कुछ। और वहां पे आप एकदम अच्छे से फ्रेश पहुंचे, एकदम लथपथ पसीने से होके नहीं पहुंचे, तो वो आपको एंटरटेन करेगा। तुमको क्या लगता है कि ये जो पसीने से लथपथ पर्सन इतना यहाँ पे आया, कितने रिजेक्शन और धक्के खा के आया, अब मैं क्यों इसको जगह दूं? देखो दुनिया काम दिखावे पे ही कर रही है। और सर और एक और चीज है, इफ यू आर लुकिंग सक्सेसफुल, दे विल फील कि सक्सेसफुल पर्सन जो कंपनी में काम कर रहा है, ही सक्सेसफुल एंड ही विल टेक माय कंपनी आल्सो टू सक्सेस।